दिनों बाद। हाँ मैं बहुत दिनों के बाद। यहाँ पे जी लेफ्ट ना जरा वो हाथ से और लेफ्ट राइट 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 बड़ा मुश्किल है आपको कहीं देखना एक्सेप्ट जिम के बारे में आपको पकड़ लेते हैं जी यहाँ आने की वजह जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मिनी दर्शनी शी इज अ पार्ट ऑफ बफरिंग जिसकी पार्टी है वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है सो उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ उसकी सेलिब्रेशन के लिए। आपके लिए बफरिंग कितना इम्पोर्टेंट है इन जनरल? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिल्म्स के होर्डिंग्स की जगह वो लोग देते हैं यू नो फ्यूचर में मैं फिल्म्स करूँगी तो उसकी होर्डिंग भी मेरी फ्रेंड लगाएगी मिनी दर्शनी सो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी प्राउड के उसके लिए बड़ा दिन है एंड मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा सपोर्ट करती हूँ। सो मैम इट्स अ फ्रेश ईयर हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ईयर? I'm really looking forward because I think 2022 is a good year for everybody. Yeah. So I am looking forward for good shows, good things happening in everybody's life and lots of positivity. आपने अभी कहा कि हो सकता है कि मेरे भी बड़े बड़ी फिल्म में करूं और होर्डिंग लगाए तो क्या something is there in the pipeline? No, is there a surprise coming from your end? No, I'm doing a lot of web series, but you never know. Films, I would do it very soon. The things are getting scary these days, like how is it affecting also work, what have you seen on that thing? Sorry? It is. That's one of the reasons. I think एक ये रीज़न है कि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी अफेक्टेड हो जाती है क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम शूटिंग हो तो आप बबल में नहीं रह सकते हो शूटिंग हो तो 100 लोग प्लस तो होते ही होते हैं शूटिंग करने के लिए आप जितना भी कट करने की कोशिश करो क्राउड को 100 लोग तो होते ही है सो वन ऑफ द रीजन्स हमारी शूटिंग इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू कोविड रिलीज जर्सी वॉज गोना रिलीज नहीं हुई ट्रिपल आर वॉज गोना रिलीज तो वो नहीं हुई तो आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दैट रिलीज ओके सो बिग बॉस 15 इज आल्सो गोइंग ऑन सो आर यू वाचिंग बिग बॉस 15 दैट्स दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट वाचिंग बिग बॉस क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला है एंड इट्स माय फेवरेट शो एंड मैं नहीं देख पाई हूँ सो आई डोंट आई एम क्लूलेस अबाउट हु इज प्लेइंग राइट नाउ आई एम क्लूलेस अबाउट हु इज डूइंग रियली वेल आई एम जस्ट क्लूलेस नो आई नो आई जय भानुशाली था रश्मि देसाई भी है ओ सपोर्ट करो के लिए एज अ फ्रेंड सो कौन कौन है बताओ राखी सावंत देबोलीना रश्मि देसाई उमर प्रतीक सेजपाल सब नहीं सिर्फ रश्मि को जानती हूँ और राखी को जानती हूँ बस देबोलीना हाँ नहीं जानती हाँ ओके बाय थैंक यू कृष्णा हैव अ ग्रेट डे निकालो नहीं Hi, this is Karishma Tanna, Orange.